हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में और ओपन इंटरेस्ट को यूज करके हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, कैसे पता चल सकता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, या फिर कोई स्टॉक अगर बहुत अच्छी रैली कर रहा है या अगर डिक्लाइन कर रहा है तो क्या वो रिवर्सल लेने वाला है। जी हाँ, ये सारी चीजें हमें ओपन इंटरेस्ट बताता है और आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को साथ में कैसे देखें। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी वीडियो। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी वॉल्यूम और प्राइस को साथ में देख के ट्रेड कर रहे होंगे, मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी तेजी से ऊपर जा रहा है तो काफी चांसेस होते हैं कि ये स्टॉक ऊपर चले जाएगा। बट यहीं पर अगर हम अपना ओपन इंटरेस्ट भी ऐड कर लेते हैं तो जो हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है या जिसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। वॉल्यूम अगर आप किसी भी स्टॉक का देखें, किसी भी आप ऑप्शन का देखें, तो वॉल्यूम होता है फॉर पर्टिकुलर डे, मतलब आज जब उसकी कितनी ट्रेडिंग हुई है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। आज वो 9:15 से शुरू होता है और 3:30 तक जाते जाते टोटल वॉल्यूम आती है वो ऐड होती चली जाती है और फिर अगले दिन वो फिर से जीरो से शुरू हो जाता है। मतलब हमें ये नहीं पता चल पाता कि क्या उसमें कोई चेंज आया है कंपेयर टू यस्टरडे। बट ओपन इंटरेस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है और वो उस पूरी जब तक वो एक्सपायर नहीं कर जाता, मतलब जब तक वो हमारा ऑप्शन एक्सपायर नहीं कर जाता तब तक ओपन इंटरेस्ट बना रहता है। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली दिखाता है कि टोटल कितने हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स नए जुड़े हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन या फ्यूचर में। मतलब अगर एक फ्यूचर या एक ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं मतलब उसमें तेजी आने के चांसेस हैं बिकॉज ज्यादा लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर किसी स्क्रिप्ट में मतलब किसी ऑप्शन या फ्यूचर में अगर ओपन इंटरेस्ट घटता जा रहा है मतलब वहां पर इंटरेस्ट कम होते आ रहा है, लोग अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। यहां से हमें पता चलेगा कि क्या हमारा जो स्टॉक है या क्या हमारा जो ऑप्शन है वो ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊंगा ऑन एन एक्सेल शीट और फिर हम कुछ लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे। हम एनएससी ऑप्शन चेन से कैसे ओआई के बारे में ढूंढ सकते हैं और कैसे उसको यूज करके लाइव ट्रेड ले सकते हैं वो भी आज बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि हम प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को देखकर कैसे पता चल सकता है हमें कि मार्केट या वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। सबसे पहले ऑब्वियसली अगर प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब प्राइस इज राइजिंग, बट हम उसके साथ देखते हैं कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब और नए लोग भी इसमें निवेश कर रहे हैं, तो यहां पर काफी चांसेस हो जाते हैं कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। एंड दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्ट अप। हमारा जो इसमें रिमार्क है वो ये है कि देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक विल गो अप मोर, बिकॉज जैसे कि हमने देखा कि इसमें वॉल्यूम भी बढ़ रहा है बट उसके साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जितने लोग हैं उनका और जो नए लोग हैं उनका भी इस स्टॉक में इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। इसी का उल्टा हो जाएगा हमारा प्राइस अगर गिर रहा है, अगर प्राइस आपका गिर रहा है एंड उसके साथ आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी गिरते आ रहा है, मतलब नए नए लोग इसको आके गिरा रहे हैं, इसको हम शॉर्ट बिल्टअप बोलते हैं और चांसेस होता है कि ये और स्टॉक नीचे गिर जाएगा तो प्राइस विल गो डाउन इवन मोर, मतलब हम यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए प्राइस तो आपका ऊपर जा रहा है बट जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वो कम होते जा रहा है। अब आप ये खुद सोचिए कि कब होगा, प्राइस ऊपर जा रहा है बट जो लोग हैं वो इसमें से एग्जिट भी करते आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वो कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब कि जो लोग प्राइस को बढ़ा रहे हैं वो जनरली इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज वो यहां से लिक्विडेशन करते आ रहे हैं या फिर वो अपनी जो पोजीशन है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा, अगर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो काफी चांसेस है कि ये जो स्टॉक है उतना ऊंचा नहीं जा पाएगा, मतलब दिस इज द राइट टाइम टू टेक एग्जिट और हम इस स्टॉक में अब नई बाइंग नहीं करेंगे बिकॉज यहां पर नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहे। सिमिलरली अगर हम लास्ट वाला एग्जाम्पल देखें जहां पर प्राइस तो नीचे गिर रहा है बट जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी कम हो रहा है, मतलब कोई नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा है जो इसमें और इस प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश करे। काफ़ी लोग ऐसे हो रहे हैं इनफैक्ट कि जो जिन्होंने ऑलरेडी सेलिंग करी हुई थी वो अब इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगेन हम लोग एग्जिट कर लेंगे इस स्टॉक से बट हम नया इस स्टॉक में एक शॉर्ट पोजिशन नहीं लेंगे। अब यही चीज़ें हम देखेंगे लाइव मार्केट में भी, हम आपको इन चारों का ही एक एक एग्जाम्पल दिखाएंगे और देखेंगे कि क्या इसने लाइव मार्केट में जो इसकी एक्यूरेसी थी वो कैसी रही। आइए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारा लॉन्ग बिल्टअप किस में हो रहा है या शॉर्ट बिल्टअप किस में हो रहा है एंड हम ये लाइव एग्जाम्पल देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको एनएससी इंडिया का वेबसाइट दिखा रहा हूँ मैं, आप इसको आराम से आ पाएंगे इस वेबसाइट पे, आपको बस गूगल पे डालना है एनएससी ओआई स्पर्ट्स ऑप्शन
ओपन इंटरेस्ट स्पर्ट्स एंड आपका जो फर्स्ट लिंक है वो आपको इस पेज पे पहुंचा देगा। यहाँ पर आप इजिली देख सकते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन ओआई, मतलब कितना ओआई चेंज हुआ है एंड उसके बेसिस पर हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर हम पहला ही स्टॉक देखें सीमेंस का, अगर हम देखें यहाँ पर जो ओआई है वो 23% का चेंज हुआ है। मतलब अब हमें देखना है कि चलो ओआई तो ऊपर बढ़ चुका है बट क्या इसकी वजह से प्राइस और क्या इसकी वजह से वॉल्यूम भी ऊपर गया है। इफ दैट इज द केस तो चांसेस हैं कि एक लॉन्ग बिल्टअप हो सकता है। तो आइए मैं अब आपको एक सीमेंस का चार्ट दिखा रहा हूँ एंड इफ वी गो टू द डेली टाइम फ्रेम हम यहां पर अपना वॉल्यूम भी ऐड करेंगे। अब आपको यहां पे कुछ चीज नोटिस करनी है कि अगर आप यहां पर अपनी वॉल्यूम ऐड करते हैं पहली चीज आपको दिख रही है कि हाँ मार्केट आज ऊपर खुला है, इट्स अ ग्रीन कैंडल, काफी दिनों के बाद ग्रीन कैंडल बनी है सीमेंस में। हमने ये भी देखा कि इसका ओपन इंटरेस्ट भी काफी बड़ा है, मतलब नए लोगों ने सीमेंस के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। एंड फाइनली आप ये भी देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, जो उसकी वॉल्यूम है वो पिछले तीन दिन से तेज है, वो उसके पिछले तीन दिन से ज़्यादा की वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ने भी आज साथ दिया है। चांसेस हैं कि ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम की वजह से सीमेंस और ऊपर चला जाएगा। सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बिल्टअप, मतलब इस स्टॉक में आज हम थोड़े बुलिश पोजिशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम शॉर्ट बिल्टअप का, मतलब जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो एक सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में, इसकी वजह से उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ डॉक्टर रेड्डी का। हम देख सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डी में भी जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 10.9 का ओपन इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़े तो वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। जैसे कि हमने बात करी थी, अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसका मतलब वो स्टॉक का प्राइस और नीचे गिर सकता है, बिकॉज जो नए लोग आ रहे हैं वो इसमें सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं। तो आइए मैं आपको डॉक्टर रेड्डी का चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम डॉक्टर रेड्डी काफ़ी तेजी से नीचे गिरा है एंड जैसे कि हमने देखा कि इसका ओपन इंटरेस्ट पर बढ़ा है, मतलब नए लोगों ने इसमें एक सेलिंग पोजिशन बनाई हुई है एंड बिकॉज ऑफ दैट हम इस स्टॉक में एक बेयरिश पोजिशन, मतलब कि एक बेयरिश बायस लेके चलेंगे। हम यहाँ पर एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है वो अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर है, इस स्टॉक इसी लेवल पर करीब 4200 लेवल पर इसको एक पहले सपोर्ट मिल चुका है, बट अगर ये इसने इस सपोर्ट को तोड़ा तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर जाएगा। मतलब इन दिस स्टॉक वी आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट पोजिशन बिकॉज ऑफ ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ गया है। मैं आपको जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ वो है लॉन्ग अनवाइंडिंग का, मतलब इस स्टॉक में अब जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। तो आइए मैं यहाँ पर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ और अगर हम ग्लेनमार्क का एग्जाम्पल देखें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हुआ है, मतलब 1.67% से इसमें जो नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए थे वो कम हुए हैं। बट अगेन हम यहाँ से केवल नहीं पता कर सकते, हमें इसका चार्ट भी देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको ग्लेनमार्क का चार्ट दिखा रहा हूँ एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो तेज़ी से नीचे गिरा था, बट आप अगर इंट्राडे भी बात करें, मैं समय 11 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे नहीं जा पा रहा है। इट इज़ ऑलमोस्ट मेकिंग लाइक अ हैमर एंड हो सकता है कि ये अपने क्लोजिंग करते करते शायद छोटा बहुत हैमर बना दे। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि इसमें ओपन इंटरेस्ट कम हो गया है, चांसेस ये हैं कि ये स्टॉक और नीचे नहीं गिरेगा। इनफैक्ट जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बनाई थी, मे बी जो लोगों ने 450 के लेवल्स पर शॉर्ट पोजिशन बनाई थी वो अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं एंड उसकी वजह से हमारे वॉल्यूम भी बहुत कम हो गए हैं। तो इस स्टॉक में अब हम नई पोजीशन नहीं लेने की कोशिश करेंगे, मतलब हम सेलिंग करने की पोजीशन तो नहीं लेंगे, बिकॉज इसमें चांसेस है कि या तो स्टॉक अब थोड़े दिन के लिए साइडवेज चले जाएगा या फिर हल्का बहुत शायद ऊपर भी आ जाए, बिकॉज अब इसमें जो नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट है वो कम होते जा रहा है। आइए आज का लास्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं जो कि मैं आपको दीपक नाइट्रेट पर दिखाने वाला हूँ। ये मैं आपको शॉर्ट कवरिंग का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ एंड अगेन हम देख सकते हैं कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो कम हुआ है, मतलब अगेन जो इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कम हुए हैं एंड हो सकता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हुई हो। आइए देखते हैं दीपक नाइट्राइट का चार्ट एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने एक काफ़ी अच्छे लेवल पर सेलिंग करी होगी वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर रहे होंगे, मतलब वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। तो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक ऊपर तो जा रहा है, ये स्टॉक ऊपर तो जा रहा है बट ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर जाए ज़्यादा, ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ऊपर जाए। ग्रीन कैंडल ज़रूर बन रही है बट ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, इसलिए हम इस स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन तो नहीं बनाएंगे, एक लॉन्ग पोजीशन तो नहीं बनाएंगे, जबकि हमारे को काफ़ी चीज़ें बता रही हैं कि ये ऊपर जा सकता है, बट बिकॉज ऑफ एडिंग ओपन इंटरेस्ट हमारे पास एक कंफर्मेशन मिल रही है हमें कि शायद ये और ऊपर नहीं जाए। लेट मी शो यू सम मोर आइडियाज़ बिहाइंड इट।
अगर हम देखें यहाँ पर सेम एज हमने जो प्रीवियस एनालिसिस करी थी, 1890 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, 1890 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है स्टॉक के लिए। मतलब ये जो ऊपर जा रहा है ये शायद केवल एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट ये हो सकता है यहाँ से वापस नीचे गिर जाए। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि इसी लेवल पर ये स्टॉक एक बार, दो बार और तीन बार आ चुका है, मतलब अब ये जो लेवल है ये थोड़ा वीक हो चुका है। एंड चांसेस ये रहते हैं कि अगर आपका एक ही लेवल पर स्टॉक तीन चार बार आ जाता है तो वो उस लेवल को तोड़ पाता है। तो अगेन इवन दो आज जो स्टॉक ये हमें ग्रीन कैंडल जरूर दिखा रहा है, बट ये हो सकता है कि एक फेक ग्रीन कैंडल हो एंड हम इसमें नई एंट्री नहीं लेना चाहेंगे बिकॉज यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा था। ऑन दी अदर हैंड अगर यहीं पर हम देखते कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिल जाता कि हाँ हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले ले एंड हम ऊपर की डायरेक्शन ले लेते, बट बिकॉज ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाएंगे। हो सकता है अगेन कि ये थोड़े दिन के लिए यहाँ पर साइडवे चले और उसके बाद अगर हमें दिखता है कि ओपन इंटरेस्ट वापस बढ़ना शुरू हो गया तो उस समय हम अपनी लॉन्ग की पोजिशन बना सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने ओआई के बारे में एक नई चीज जानी होगी। वैसे तो मैं ओआई एनालिसिस करीब 3:15 बजे करता हूं ताकि मुझे कल का थोड़ा अंदाजा मिल जाए कि क्या ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, बट आपको इंट्राडे भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू।